वेलकम बैक। मैं घर कर रही हूँ यहाँ पे लंच का, ब्रेकफास्ट जो भी है, और मेरे साथ ऑस्टिन यहाँ बैठे हैं पराठे खाने के लिए। शिवाना को दिया, उसने खाया नहीं क्योंकि उसने अभी दूध पिया है, और साथ में घिया की सब्जी, आजकल घिया ही बन रहा है, और एक या दो टमाटर डल रहा है। आपको पता है टमाटरों के हाल, पता नहीं इसको क्या हुआ, इसने दो बार दूध पी के उल्टी मारी है। फिर मैंने कपड़े चेंज किए, चादर वगैरह बदली है, आई डोंट नो, नाक बंद है क्या, मैंने अभी नाक में दवाई भी डाल दी है, ऐसे कोल्ड तो लग नहीं रहा इसको। पता नहीं गैस हो गई थी क्या, पॉटी भी अच्छे से करी है। क्या पैक क्या किया आपने अभी? बच्चे बड़े अनप्रडिक्टेबल होते हैं भैया, काम इतना बढ़ा देते हैं। सोहानी सो रहा है और मैं आ जाइए छत पे कपड़े डालने, क्योंकि ना दो लॉट धुलने हैं तो दूसरा हनी डालेगा तो दो तीन चक्कर लग जाएंगे बेचारे के, तो मैंने कहा एक चक्कर मैं ही डाल देती हूँ। तो कपड़े सूख गए हैं, बस मुझे अब तार पे डालना है, सूखने डालना है। चलिए लगते हैं काम पे। Play it cool like I'm winter. I can make it rain like a cash tsunami. You wanna slip and slide, we can link up. Working all the time, make it duller. Be a suit and tie to make a dollar. Wanna live life like I'm on vacation. Gotta get those good vibrations. Oh, glowing so bright, I'm glowing. So तो भाई लोगों नमस्कार, आदाब, और जो भी है 8:30 बजे मैं अब व्लॉग कर रहा हूँ। अब आया हूँ व्लॉग में क्योंकि भाई सुबह जब ऑफिस गया उसके बाद ऑफिस में बिजी हो गया, फिर विशाली का फोन आ गया कि भाई शिवाना परेशान हो गई, शिवाना को उल्टी उल्टी हो गई, बुखार तो नहीं आया, शायद उल्टियाँ करी हैं इसने और उसकी नाक वाक बंद थी। फिर मैं अपने यूजुअल टाइम पे आया क्योंकि मैं जल्दी निकल नहीं सकता था। आके ऑस्टिन को देखा, शिवाना से थोड़ा सा बैठा, इसको वॉक पे लेके गया, छत पे कुछ कपड़ों का काम था वो किया, अब जाके मैं फ्री हुआ हूँ नहा धो के। तो भाई हेलो, अब वॉक स्टार्ट किया मैंने, और ये बच्चा मेरे आने के बाद से तो ठीक ही लग रहा है मेरे को, बट जो भी इसको अनइजीनेस है विशाली उसका कुछ ना कुछ इलाज अभी कर ही रही है, कुछ बना के देगी इसको, है ना। उल्टी को करते हो क्यों, तंग करते हो मम्मा को? भाई जुकाम कैसे हो गया तुम्हें काकू? जुकाम कैसे हो गया? तो फिलहाल विशाली किचन में है, यहाँ पर चल रहा है इसका कार्टून थोड़ा सा इसका मूड ठीक करने के लिए, एंड फिर करता हूँ जरा मैं व्लॉग कंटिन्यू। ऐसे देखो मैं दूध की बॉटल की निप्पल पड़ी हुई थी, ऐसे ही पी रही है बेटा, कुछ आ ही नहीं रहा उसमें। तो शिवाना न्यू चीज़ें सीख रहे हो। एक तरह बन रही है आलू गाजर मटर। अच्छा मैं बना रही हूँ हमारे लिए दरिये वाली खिचड़ी, जिसमें मैं बीन्स डालूंगी, फोकस, बीन्स डाल रही हूँ, थोड़ी सी गाजर डाल रही हूँ, प्याज है थोड़ा सा, अदरक लहसुन है, और एक हरी मिर्च है, और एक टमाटर भी, और ये बनेगी मूंग दाल की खिचड़ी बट विद राइस के बिना, ये बनेगी दलिये में, और मैं शिवाना को भी दूंगी। मेन रीज़न है यही है, शायद उसको एसिडिटी हो रही है, पता नहीं क्या हो रहा है। तो खिचड़ी में मैंने अदरक लहसुन और प्याज कड़ी पत्ता वगैरह डाल दिया है, उसके बाद मैं ये टमाटर डाल दूंगी, और टमाटर सब्जी डालने से पहले मैं अपना थोड़ा सा ये भूनूंगी, तो ये मैं प्याज के साथ डाल दूंगी। अब तो मैंने सब कुछ डाल दिया है, वेजीज भी डाल दी है, हल्दी और नमक भी डाला है हल्का सा, और उसको थोड़ी देर और मैं रोस्ट करूंगी और फिर पानी लगा दूंगी। एक घंटे से रो रो के बुरा हाल कर रहा है, और जैसे ही बेड पे डाला है हालत देखो जरा। बच्चा एक आधी उल्टी क्या मार दे पूरे घर तहस नहस हो जाता, और बच्चे की खुद की ऐसी ठीक है शक्ल है, बच्चे खुद की ऐसी तैसी हो जाती है, परेशान हो जाते हैं बच्चा। शिवानु कहाँ है?
डाल के दलिया वाली खिचड़ी बनाई है। नाइस नाइस, बहुत दिनों बाद कुछ ऐसा हल्का खा रहे हैं। इसके साथ दही लोगे, घी में डाल चुकी हूं। बन रहा है बहुत। गाइस, शिवाना के लिए भी बनाई है, फीकी है ये। शिवाना ने इस टाइम डिसाइड कर लिया सोने का, अगर ये सोई रही तो फिर अब इसको उठाया नहीं जाएगा, सोती रहे। और इसको हल्का सा, बहुत हल्का सा कोल्ड है, तो हमने नेबुलाइजर भी स्टार्ट कर दिया, दवाई भी दे दी है। हमें नहीं चाहिए भैया ये बड़े बार बार ऐसे ना इरिटेट। हाँ, जो स्टार्टिंग होती है ना कोल्ड की, जो सेचिंग होती है नोज में, वो वाला प्रोसेस है इसका। खिचड़ी विचड़ी खाने के बाद ये, तभी मैं नहीं बनाती पता खिचड़ियाँ, पेट नहीं भरता ना एक बार में। शिवानु को यहाँ क्रोसिन ठुसाई जा रही है मुंह में, और वो बेचारी पी नहीं रही है। हाथ पकड़ लो ना, अभी देखना शिवानु कैसी है। अच्छी है, छोटी चीज को गोद में पी गई यार, छोटी चीज ऊपर चली गई है, वो देखो गोद में पिलाते थे। अब तो भाई गोद में आने वाले मुझे है नहीं है। शरारतों में कम नहीं है अभी भी, लेकिन थोड़ी सी ढीली है, सो नहीं पा रही। बटन लगा दो डैडी की। इंतजार कर लिया, इंतजार आपका। तो आज पूरा दिन बारिश नहीं आई, और ये इतना साफ लग रहा है ना स्टेयरकेस, ऐसा लग रहा है कि आदत नहीं है इतनी सफाई की। पूरा क्लीन लग रहा है एकदम, यहाँ भी क्लीन है सारा। एंड गाइस, जैसा कि आप लोगों को पता है कि मेरे मम्मी पापा भी घर पे नहीं है, और वो लोग गए हुए हैं पंजाब। एंड जो नॉर्थ इंडिया में इतनी बारिशें हो रही हैं और फ्लड्स आ रहे हैं, आप लोगों ने देखी होंगी वीडियोस, तो पंजाब में भी बहुत बुरा हाल है। इसीलिए ये डिसाइड किया कि वो लोग अभी वहीं रहेंगे जब तक सिचुएशन ठीक नहीं हो जाती, क्योंकि सड़कों पे निकलेंगे बाहर और दिल्ली की तरफ आने लगेंगे तो चंडीगढ़, अम्बाला वगैरह साइड में, और खरड़ वगैरह साइड में, सब जगह बहुत ज़्यादा फ्लड्स है। तो इस वजह से अभी ये पूरा वीक वो लोग वहीं पे रुकेंगे, हो सकता है सैटरडे या संडे में, जब तक सिचुएशन नॉर्मल नहीं होती उसके बाद ही आएंगे। ऑल दो जहाँ पे हमारा गाँव है वहाँ पे सिचुएशन बिल्कुल ठीक है, लेकिन फिर भी रास्तों में बहुत बुरा हाल है, इसलिए रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेना चाहते और वहीं रुकना बेटर रहेगा। तो गाइज, जो मेरी भूखी बीवी है उसके लिए कुछ मंगाया है जस्ट अभी, तो आने वाले हैं भैया का। थैंक यू। तो इस पे स्वीट टूथ लिखा हुआ है, तो आप लोग गेस करो ये क्या होगा। ये है चीज केक, चीज़ केक की भूखी बैठी है अंदर, उसको मैं चीज़ केक खिलाता हूँ जाके। सो गाइस, रात हो गई है, शिवानु मेरी गोदी में है, थोड़ी सी ढीली है, तो इसलिए मेरा कुछ खास व्लॉगिंग की तरफ ध्यान जा नहीं पा रहा, तो मैं अब व्लॉग करती हूँ यहीं पे एंड। और हनी भी सुबह ऑफिस के कपड़े वगैरह रेडी कर रहा है, तो बस अब एंड करते हैं व्लॉग। 12:30 बजे आज हमारी रात हो गई है, आज हम जल्दी सो जाएंगे शिवाना की वजह से। चलो अच्छा है, सो रही है तो हम भी सो जाएंगे। मिलते हैं कल एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।